सो तीसरा गोल्ड मेडल मिल चुका है भारत को वेटलिफ्टिंग में, और इस बार मेडल आया है अचिंता की तरफ से। अचिंता, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और जिस तरीके से आपने अपना स्नैच इतना स्मूथली कवर किया, फिर आपने अपना टारगेट ऑलरेडी सेट किया था, आपको पता था कि जी मेरा ये 143 है और मुझे क्या टारगेट लेके गोल्ड हासिल करना है, कैसे प्लान किया? सर हमने तो पहले अपना परफॉर्मेंस बेस्ट निकालने का कोई सोच के आया था, तो जब मुझे कोच साहब ने बताया कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ट करना है तो उस टाइम से मैंने माइंड सेट किया। फिर जब मलेशिया वाई थोड़ा सा मलेशिया वाला जो थोड़ा फाइट में आया तो हमने सोचा कि हम बीट करते हैं उनको पहले परफॉर्मेंस में, तो हम फिर आगे में सेफली जा सकते हैं। इम्प्रूव मतलब गोल तो हमारा था ही, हम परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रहा था, तो पहले हम स्नैच में अपना परफॉर्मेंस जो मेरा मतलब बेस्ट था वो पकड़ा, उसके बाद क्लीन जर्क में थोड़ा सेकंड लिफ्ट में थोड़ा सा चक्कर के वजह से ब्लैकआउट आया था, उसके वजह से मुझे समझ में नहीं आया कहाँ मारना है, कुछ पता नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा वो अटैम्प गिर गया। बाकी सेकेंड अटैम्प में ठीक था तो मैंने इजीली किया वो अटैम्प। शुरुआत 2011 में हुई थी, भाई से जो है आपने जो है मोटिवेट हुए थे आप वेट लिफ्टिंग करने के लिए, जर्नी कैसी रही एज एथलीट, कितना जो है परिवार का सपोर्ट रहा? फैमिली से तो मेरा फुल हमेशा सपोर्ट रहा और सभी से मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिलता आया है, कोच साहब से ऐसे बाकी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। अब चूंकि आप कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना प्रेस्टिजियस ये आपके लिए मेडल है और हर एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक्स का ना मेडल हासिल करना, आप उसको कैसे प्लान कर रहे हैं? ये जो वेट कैटेगरी है आप इसमें आपको लगता है कि आप यू आर हैप्पी इन दिस वेट कैटेगरी या फिर आप आगे चलकर आप कुछ सोचेंगे बदलने के बारे में? मैं इस कैटेगरी में ओलंपिक क्वालीफाई करने की कोशिश करूँगा जी सर। तैयारियों के बारे में बताइए, क्योंकि विजय सर एक ऐसे जो है कोच हैं इतने लगातार इस बार लगातार दो दिन से हमारे पास मेडल आ रहे हैं वो वेटलिफ्टिंग से ही आ रहे हैं, तो क्या कुछ विजय सर ऐसा अलग करते हैं? सर वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती है, क्योंकि हमेशा वो मतलब जैसे मेरे ट्रेनिंग कुछ किसी दिन ख़राब किया वो फिर सोचता है कि कैसे किया वो क्या करना चाहिए, हर सेट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट छोटा छोटा चीज़ में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, पीछे लगता रहता है हर चीज़ में, जिसके वजह से परफॉर्मेंस सभी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंडिया का जो भी जितना भी परफॉर्मेंस है सभी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आखिरी के कुछ सवाल, सबसे पहली बात ये बताइए चिंता की वेट लिफ्टिंग में हमारा जो कंपटीशन होता है हम अक्सर देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमें मलेशिया जो है वो टच कर रहा था या फिर जो आसपास की जो कंट्रीज है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया में वेट लिफ्टिंग का ये जो एक उछाल आया है परफॉर्मेंस में इसको हमें कैसे और आगे करना है? सर हमारा जो तैयारी था सभी ऐसे था कि फिट था, जो भी जितना भी टच किया है मलेशिया वाला जो टच करा था उनका कोई ऐसे हिम्मत नहीं था कि हमें टच करे, क्योंकि हमारा जो पहला जो मेडल था गोल्ड मिस हुआ संकेत का, वो भी पास हो गया था इंजरी के वजह से मिस हुआ उनका भी, और मेरा सेकेंड अटैम्प नहीं गिरता तो हम आराम से जा सकता था, मैं नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकता था, मतलब ईजी था, कुछ मतलब कुछ कुछ छोटा छोटा फॉल के वजह से जो मुझे सीखने को मिल रहा है धीरे धीरे जी सर। थैंक यू सो मच।